नमस्कार दोस्तों ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है आप प्ले लिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आप जी पेपर टू के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए रीपर्पज्ड मेडिसिन कौन सी होती हैं देखो वो मेडिसिनस जिन्हें ऑलरेडी अप्रूवल मिला होता है किसी दूसरे डिजीज़ के इलाज के लिए बट बाद में पता लगता है कि इस मेडिसिन का किसी दूसरे डिजीज़ के इलाज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है तो वो होती हैं रीपर्पस्ड मेडिसिनस एग्ज़ाम्पल्स की अगर हम बात करें फेवीपिराविर रेमडिजीवर और इसके अलावा एक और मेडिसिन है ईटोलिजूमेब ये मेडिसिनस एग्जाम्पल्स हैं रीपर्पज्ड मेडिसिनस के पहले कुछ और डिजीज़ के इलाज के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था बट अब कोविड नाइन्टीन के इलाज के लिए भी इन मेडिसिन को अप्रूवल मिल गया है मतलब ये रीपर्पज्ड मेडिसिन हैं राइटर का कंसर्न देखो ये है जो ये रीपर्पज्ड मेडिसिन हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बिक रही हैं काफ़ी सारा डेटा दिया जाता है ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बट आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए जैसे देखो हमारे देश में हीटरों ये रेमडिजिवर मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर रही है इनको अप्रूवल मिला है ये 10 एम इंजेक्शन वायरल की कीमत इन्होंने रखी है 5400 और सिप्ला ने कीमत रखी है 4000 पर वायरल अब देखो एक इंजेक्शन से तो ठीक होगा नहीं और वैसे भी मतलब वो बाद में आएगा कि इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है अभी प्रूवन नहीं है कि इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है अगर यही एफिशिएंट हो कोविड 19 के इलाज के लिए तो फिर दुनिया नई वैक्सीन्स के पीछे क्यों भागेगी तो कहने का मतलब यही है ना ये जो रीपर्पज मेडिसिन हैं इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कोविड नाइन्टीन के इलाज के लिए हाँ डेथ रेट थोड़ा सा जरूर कम हो सकती है फिर भी ये जो मेडिसिन हैं इतना इतना महंगे बिक रही हैं चौबीस हजार से लेके बत्तीस हजार का पूरा कोर्स मतलब चार पांच दिन जब तक डोज देनी पड़ेगी जब तक इंजेक्शन लगेगा तब तक पैंतीस हजार के आसपास खर्चा आ जाएगा तो आप बताइए आम आदमी इतना पैसा अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है तो इसीलिए काफी सारे देशों ने क्या किया है फॉर एग्जाम्पल कनाडा चिली जर्मनी इन्होंने अपने अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेश की सहायता से इन रीपर्पज्ड मेडिसिन के जो दाम हैं वो कम करने की कोशिश की है बट इंडिया में अभी तक ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ है बट देखो जो पेटेंट एक्ट 2005 है उस पेटेंट एक्ट 2005 में हमारे पास भी प्रोविज़न है कंपलसरी लाइसेंसिंग का हम किसी दूसरी कंपनी को कंपलसरी लाइसेंस दे सकते हैं बोल सकते हैं कि भैया आप ये मेडिसिन बनाइए और कीमत आप इसकी बहुत कम रखिएगा क्योंकि वास्तव में देखो इन मेडिसिनस की मैन्युफैक्चरिंग में इतना पैसा नहीं आता जितना कि इन्होंने रेट रखा गया है रखा हुआ है लेकिन वही बात जो लॉजिक दिया जाता है कि जो कंपनीज ये मेडिसिन बनाती हैं उनके द्वारा काफ़ी बार रिसर्च की जाती है रिसर्च में बहुत पैसा लगता है इनके कुछ प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि मेडिसिन बन नहीं पाती लेकिन पैसा तो लग गया होता है तो इसलिए यही समय होता है रिसर्च पर रिसर्च पर जो पैसा खर्च किया गया है उसको निकालने का बट राइटर कहते हैं देखो ये समय नहीं है क्योंकि अभी महामारी का समय है अभी आप प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दे सकते अभी आपका ध्यान होना चाहिए इस महामारी को कर्ब करने पर तो इंडिया पेटेंट एक्ट 2005 में जो कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है उसका इस्तेमाल कर सकती है और कुछ दूसरी कंपनीज को लाइसेंस दे सकती है कि आप बनाइए इन मेडिसिन को और रेट कम रखिए और वैसे देखो जिन कंपनीज ने ओरिजिनली इन मेडिसिन को बनाया था रेमडिजीवर फेविपिराविर या फिर आइटोलिज्यू तो इन्होंने फिलहाल की सिचुएशन में कुछ जेनरिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कंपनी वाली कंपनीज को भी लाइसेंस दिया है वॉल्यूट्री लाइसेंस दिया है बिना किसी रॉयल्टी के लेकिन ये एक प्रकार से उनकी चलाकी है कार्टलाइजेशन है जेनरिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज के बीच और वो ओरिजिनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिन्होंने मेडिसिन को बनाया था कार्टिलाइजेशन ये हो जाता है कि हम आपको वॉलन्ट्री लाइसेंस दे रहे हैं इसके बावजूद आप कीमत ज़्यादा ही रखिएगा ताकि प्रॉफिट हमारे साथ भी आप शेयर कीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए इसीलिए राइटर फिर से बोलते हैं पेटेंट्स एक्ट 2005 में जो कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन है आप उसका इस्तेमाल करके दूसरी जो जेनरिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर वाली कम, करने वाली कंपनीज हैं उनको लाइसेंस दे दीजिए ताकि इनके रेट कम हो और महामारी की सिचुएशन में पेशेंट्स की पहुंच तक हो ये मेडिसिन इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन